अभी आंसर कोई ना दे, अभी मैं जो है आगे बढ़ता हूं। सो द रीजन आई एम आस्किंग यू अबाउट योर फीलिंग्स, तो कारण ये है कि मैं आपका जो जो फीलिंग्स है महसूसियत में, इसलिए पूछ रहा हूं। तो एवरी थॉट हैज अ करस्पॉन्डिंग फीलिंग्स, हर एक विचार होता है ना, तो उसके लिए एक महसूसियत होता है। यू एग्री विथ मी? क्या आप मेरे साथ सहमत हो? एवरी थॉट प्रोड्यूस अ फीलिंग्स, हर एक सोच जो है एक महसूसियत को बनाता है या उभारता है। तो ओके? एवरी थॉट हैज अ फीलिंग, हर एक सोच को जो है महसूसियत होता है। ओके? So what you think and what you feel is very important. तो क्या सोचते हो, क्या महसूस करते हो, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। And the reason I'm asking you about your feeling. तो कारण क्या है, मैं आपके फीलिंग्स के बारे में इसलिए पूछ रहा हूं। Some of you, what you said, it is not even a feeling. तो कुछ लोगों ने जो बोला है, जो जवाब दिए है, वो जो है महसूसियत नहीं है। It is just, you know, it's your thinkings. थिंकिंग। It's not even, you know, you're not feeling when you really think about it. तो आप सच में जो है महसूसियत नहीं कर रहे हो, जब आप सोचते हो तो आप महसूसियत नहीं कर रहे You're हो। just giving some of the right राइट answer. आंसर। तो वो लोग सिर्फ जो है सही जवाब देने की कोशिश में, बस Suppose उदाहरण के लिए anybody said about health. अगर कोई कहता है सेहत के बारे में, When I think about health, I'm very happy. अगर मैं सेहत के बारे में सोचता हूं तो मैं बहुत खुश मुझे महसूस होता Or है। they तो say that when I think about health, I'm feeling good. या तो फिर कोई सेहत के बारे में पूछता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत पूछता है, अच्छा सोचता है. सोचता है, थिंक सोचता है, Okay. तो मुझे अच्छा खुशी महसूस होती है। If that is really that was your feeling, अगर वो सच में आपकी महसूसियत है then you will be perfectly all right with your health. तो इसका मतलब ये है कि आप जो है आपकी सेहत से परफेक्ट यानी परिपूर्ण आप अच्छे हो, இருப்பீங்க आप अच्छे रहोगे। உங்க ஃபீலிங் வந்து நல்ல ஹாப்பி ஃபீலிங்காவும் குட் ஃபீலிங்காவும் ஹெல்த் பத்தி இருந்துச்சுன்னா அப்ப உங்க ஹெல்த்ல ப்ராப்ளமே இருக்காது. अगर अच्छी महसूसियत आपको लगता है, आप खुशी की जो महसूसियत आपको ऐसा लगता है, तो आपकी सेहत में आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। If there is any health issues, अगर कोई भी सेहत से कोई भी समस्या है that means you are not really feeling good about your health. तो इसका मतलब ये है कि आपकी सेहत को लेके आपको अच्छी महसूसियत नहीं You है। may believing that, you know, I want to be good, I want to be healthy. आप विश्वास कर सकते हो कि मुझे अच्छा रहना है, मुझे अच्छा सेहतमंद रहना है। Your thoughts, your feeling is your life. देखो, आपके सोच विचार, आपके महसूसियत ही आपका जीवन है। Okay. Suppose I'm feeling super rich. तो कभी कभी जो ऐसा लगता है कि मुझे बहुत रिच, हाँ. वो जबरदस्त धनवान सा महसूस होता है। तो Suppose if I'm feeling like that, अगर मैं उदाहरण के लिए, जब मुझे अगर ऐसा महसूस होता है then if you're asking me, how do you feel about money? तो अगर आप मुझे पूछते हो कि आपको कैसा महसूस होता है पैसे को लेकर, So suppose I'm saying, wow, I'm feeling super rich. तो मैं जवाब ऐसा देता हूं कि वाह, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैं बहुत जबरदस्त धनी इंसान I हूं feel good about it. और मुझे बहुत अच्छा महसूस I होता feel है happy about और it. मुझे खुशी महसूस होता If I है। say that, अगर मैं ये कहता हूं ऐसा, that means I should not have any financial struggles. तो इसका मतलब ये है कि मुझे कोई भी पैसों से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए। If I have a financial struggles, अगर मुझे पैसों का संघर्ष है so I'm not feeling good about finance. तो इसका मतलब ये है कि सेहत को, पैसे को लेकर मुझे अच्छा महसूसियत नहीं होगा। You understand? आपको समझ में आ रहा है? So some of you know that, you know, I have financial challenge. कुछ लोगों को तो पता है कि मुझे पैसों से थोड़ा सा जो है संघर्ष है। So if I say that I'm having this feeling, I'm having that feeling, that's not real. तो फिर भी पैसा ना रहकर भी, तो अगर हम लोग का जवाब रहेगा मुझे अच्छा महसूस होता है, मुझे धनी महसूस होता है,
तो वो सच्चाई वाला महसूस नहीं है. I'm not telling you to feel negative, please understand. लेकिन ये बात समझो कि मैं आपको नकारात्मक सोचने या महसूस करने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ. If you feel good, fine. अगर आपको अच्छा महसूस हो रहा है तो अच्छी बात है. If you feel good about money, that means you should have a lot of money. अगर आपको पैसों के बारे में अच्छा महसूस हो रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको और पैसा आना चाहिए. Then it's good. बहुत अच्छी बात है. फिर फील गुड अबाउट योर हेल्थ, तो अगर आपको आपके सेहत के बारे में अच्छा महसूस होता है, देन यू नो इफ यू आर हेल्थी दैट्स गुड. अगर आप सेहतमंद हो तो बहुत अच्छी बात है. बट इफ यू आर सेइंग आई एम फीलिंग गुड अबाउट माय हेल्थ, बट इफ यू आर स्टिल हैविंग योर हेल्थ इश्यूज, दैट मींस यू आर नॉट टेलिंग योर रियल फीलिंग, यू आर जस्ट टेलिंग मी सम काइंड ऑफ आंसर. अगर आप कहते हो कि मुझे अच्छा महसूस हो रहा है मेरे सेहत को लेकर, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है आपको सेहत को लेकर आप अच्छे होना चाहिए. मतलब आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए आपको सेहत को लेकर. ये आपका सोच है, आपकी महसूसियत नहीं है ये. ओके, ठीक है. So first of all, I want you to be aware of your own feeling. That's why I'm asking this question. That's all. मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आपके बारे में आप जागरूक रहे. यही मेरा सवाल है. What's going on inside of yourself? You are not aware. आपके अंदर क्या चल रहा है ये बात से ही आप जो है सचेत नहीं हो या सावधान नहीं हो. I mean, जागरूक नहीं हो. It's amazing, you know, how many times people are. This is the third time, you know, I'm doing this meeting and still people are not able to catch the point. देखो अद्भुत है कि ये तीसरी दफा जो है ये मीटिंग मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो जो पॉइंट है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वो जो बात है वो समझ नहीं पाए. I may want lot of money. देखो मुझे हाँ पैसों की बहुत जरूरत हो सकता है. Okay, I may want it. मुझे ज्यादा जरूरत है. Okay. ठीक है. But what is my feeling? लेकिन मेरी महसूसियत क्या है? So some of you said I want more money. तो कुछ लोगों ने कहा कि मुझे बहुत पैसा चाहिए. I worry about money. मुझे पैसों से चिंता है. And thinking about concerned about job. और जो है काम के बारे में मुझे बहुत ज्यादा चिंता है. It's all a real feeling. तो ये सारी जो बातें वो सच्चाई वाली महसूसियत है. You understand? आपको समझ में आ रहा है? Those who gave the negative answer, those who are the one, they gave the right answer. जो लोग जो है नकारात्मक जवाब दिए ना, वो लोग ही सही आंसर दिए हैं. Means अदा उंगलोड़ा उनमियाना फीलिंग अदा उनमिया सोनिंग है. जो आपकी सच्चाई वाली महसूसियत है ना, वही आपने जवाब दिया है. Well, some of you have said a positive answers. और कुछ लोग जो है सकारात्मक जवाब दिए उन्होंने. That's also good, you know. Some of you know that. I understand your positive answer is also good. देखो वो भी अच्छी बात है. मैं समझ सकता हूँ आपका जो सकारात्मक जो जवाब है वो भी बहुत सही है. Okay. You feel joyful about finance and you don't have financial problem. I understand your answer is right. देखो आपको आपने पॉजिटिव जवाब दी पैसों के बारे में और जो है you feel joyful about finance. और आपके पैसों को लेकर जो आपको खुशी महसूस होती है and you don't have financial problem, that means that's right answer. तो जो है और उतना ही नहीं, आपको पैसों की समस्या भी नहीं है, तो ये बहुत सही जवाब है. आपने सही जवाब दिया, तो सही है महसूस ये. That's a true feeling. वो सच्चाई वाली महसूस ये आपकी. But most of the time, your answer was not proper. You're not talking about your feeling. You know why? Because we don't know what we feel. So, ज़्यादातर समय जो है आपका उत्तर सही नहीं था क्योंकि आप जानते नहीं कि आपकी महसूसियत वो क्या है. Most of the time, we think about our feeling or maybe aware of our feeling when somebody hurts us. देखो हम अपने महसूस के बारे में हम सोचते हैं, हमारे महसूस के बारे में हम जागरूक रहते हैं. कभी पता है जब कभी हमें लोग जो है जब हमें जो है चोट पहुंचाते हैं तब, और when something very good happens, या तो फिर बहुत जबरदस्त अच्छा कुछ होता है, so you are so obvious that you know I'm very happy pastor, right? तो आप सच्चाई में बोलते हैं हाँ पास्टर मैं इस बात से बहुत खुश हूँ. उंगली संतोषमा இருக்கீங்க, உங்க ஃபீலிங் சந்தோஷமா இருக்குதுன்னு உங்களுக்கே தெரியுது அப்போ. तो आपको खुद को मालूम हो जाता है अंदर से ही कि किसी बातों में तो आप बहुत ज्यादा खुश हो करके. So when you are extremely hurt, you are very aware that you know you are feeling so bad. आप बहुत जबरदस्त चोट खाए हुए हो, तकलीफ महसूस हो रही है, तो आपको सच में महसूस होता है कि हाँ मुझे तकलीफ हो रही है.
इस बात में आपको जागरूक रहता है ओके ठीक है बट अदर टाइम यू आर नॉट अवेयर व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग्स आर गोइंग ऑन लेकिन बाकी के समय में आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके अंदर क्या महसूसियत हो रही है सो आई एम टेकिंग सो मच टाइम टू टॉक अबाउट द फीलिंग्स तो मैं क्यों ज्यादा समय ले रहा हूँ फीलिंग्स के बारे में बोलने के लिए नंबर वन पहली बात यू नो वी आर लिविंग इन अ विक्टिम कॉन्शियसनेस हम जो है एक शिकार के मानसिकता में जी रहे हैं नंबर वन वी आर लिविंग इन अ विक्टिम कॉन्शियसनेस हम जो है एक शिकार की मानसिकता में जी रहे हैं ओके ठीक है So I'll tell you the signs of the victim consciousness. तो ये जो शिकार हुए जो मानसिकता होती है उसके बारे में कुछ चिन्ह को मैं बताऊंगा ओके फीलिंग फाइनेंशियल लैक इज अ विक्टिम कॉन्शियसनेस पैसों की कमी घटी को महसूस करते हैं ना वो है जो है शिकार की मानसिकता फियर इज अ विक्टिम कॉन्शियसनेस डर जो है शिकार की मानसिकता है Blaming is a victim consciousness. दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाना वो है शिकार की मानसिकता. Worry is a victim consciousness. चिंता वो है शिकार की मानसिकता. Okay. ठीक है. Blaming is a victim consciousness. दोष लगाना वो है शिकार का मानसिकता है वो. Fear is the victim consciousness. डर वो है जो है शिकार की मानसिकता है. Worry is a victim consciousness. चिंता करना वो है शिकार की मानसिकता. Feeling lack is a victim consciousness. कमी घटी को महसूस करना वो है जो है शिकार की मानसिकता. You see, sometimes we feel like this. देखो आप देखते हो ना कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है. You know, I'm not having that much money. मेरे पास इतने पैसे नहीं है. That means we are conscious about our lack. तो हमें हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी है आदपति उणर्वुल्लवंगला இருக்கிற நம்ம हम उसके बारे में जो है जागरूक रहने वाले में से है वी आर कॉन्शियस अबाउट अवर लैक हमें जो है हमारी कमी घटी को बारे में जागरूक है वी आर कॉन्शियस अबाउट अवर सिकनेस हमें जो है हमारी बीमारी के ऊपर जागरूक है ओके We feel weak. हमें कमजोर महसूस होता है See, if you have any health issue, देखो अगर आपको सेहत से लेके कोई परेशानी है That means you are really feeling weak. तो इसका मतलब ये है कि आप सच्ची में आप कमजोर महसूस करते हो But you may tell your mind, no, I'm strong, I'm powerful. लेकिन कभी आपके मन में आप बोल सकते हो नहीं मैं अच्छा हूँ मैं भला हूँ मैं सामर्थ्यशाली हूँ In the name of Jesus, I'm strong. यीशु मसीह के नाम से मैं मजबूत हूँ But you know, if you are sick in any way, अगर आप कोई भी तरीके से कोई भी जगह में अगर आप बीमार हो तो that means we are feeling sick. That's all. इसका मतलब ये है आप बीमार महसूस कर रहे हो बस खत्म. You may say, Jehovah Jireh, God will provide for me, brother. आप बोल सकते हो Jehovah Jireh परमेश्वर मेरे पुरोती को पूरा करेंगे. God is El Shaddai. परमेश्वर एल शड्डाई है सो मोर देन एनफ वो काफी से भी मतलब जरूरत से ज्यादा है हां सो मोर देन एनफ वो जरूरत से ज्यादा है यू आर ऑल मेकिंग अ वेरी गुड राइट स्टेटमेंट देखो ये सही सही व्याख्यान आप देते हो बट इफ यू आर Phil, if you are experiencing lack in your life, लेकिन अगर आप आपके जीवन में आपके खुद के जीवन में आप कमी घटी को महसूस करते या अनुभव करते हो तो that means you know you are just you know making a sound but you are not really believing it's not part of you. तो इसका मतलब ये कि आप सिर्फ आवाज कर रहे हो लेकिन आप विश्वास नहीं करते हो और वो आपके जिंदगी का भाग नहीं है You understand what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है क्या कह Everyone. सभी लोग. Talk lot of right stuff.
हम अच्छे अच्छी जो बातें को करते हैं we know how to impress a pastor. हमें पास्टर को कैसा जो है आकर्षित करना है हमें पता है when we meet a pastor, we'll talk a faith language. अगर हम पास्टर से बात करेंगे तो विश्वास की बातें करेंगे oh praise lord pastor oh praise lord pastor oh no worries pastor god is there oh pastor चिंता नहीं करते पास्टर परमेश्वर हमारे और है we talk every believers with believers like that हम हर एक विश्वासियों के साथ में ऐसे से बातें करते हैं oh no our god is a big god isn't it sister आपको पता है क्या बहन परमेश्वर बहुत बड़ा परमेश्वर है देखो हमारे परमेश्वर के लिए कोरोना सब कुछ भी नहीं है All our needs are nothing. हमारी जो जरूरत है वो सब कुछ भी नहीं है We know to talk a Christian language. हमें ये मसीह जो भाषा होती है ना वो ना बोलने के लिए अच्छी तरह से आता है लोगों से बात करने के लिए ना अच्छी तरह से आता है But you have to check your underlying feelings. लेकिन आपके जो है महसूस ये जो अंदर जो महसूस ये थे उसके बारे में आपको ध्यान देना है Shall I tell you something? क्या मैं आपसे कुछ कहूं Write this down. आप लिख ले Your feelings or your prayers. आपकी महसूस ये या आपकी प्रार्थना Your feelings is your prayer. आपकी जो महसूस ये है वो आपकी प्रार्थना है अब भैया आपकी जो महसूसियत है वो आपकी प्रार्थना है नो मैटर व्हाट यू प्रे आप कैसे भी कुछ भी प्रार्थना कर ले व्हाट यू आर फीलिंग इनसाइड इज गोइंग टू मैनिफेस्ट जो कुछ आपके अंदर महसूसियत है वही जो है जो प्रभाव या मैनिफेस्ट होने वाला है हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कितने लोगों को समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं वी प्रे लॉट ऑफ थिंग्स हम बहुत सारी चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। Oh Lord, heal that person, Lord. हे परमेश्वर उस बंदे को चंगा करो। But you know, you feel that that person will not be healed. तो आपको अंदर महसूस ये होता है कि हाँ, वो व्यक्ति चंगा नहीं हो सकता। But we are not aware of our own feeling. लेकिन हम अपने आप की, अपने खुद की महसूस ये से हम जो है जागरूक नहीं हैं। Just imagine how many times you must have prayed for someone. And encourage someone, but inside you felt that it's not going to work out. जरा सोच कर देखो कि किसी के लिए आप कितना प्रार्थना करते हो, लेकिन अंदर आप उसके बारे में नकारात्मक बातें या कुल्ला तेरी दे अरे वाले क्या कर रहे हो? आपके अंदर आपको पता चलता है कि भाई देखो ये तो काम नहीं करेगा. You'll pray for someone. आप किसी के लिए तो प्रार्थना करोगे. And say that you know that person will be healed. तो आप ये बोलोगे हाँ वो व्यक्ति चंगा हो जाएगा And you'll tell that person, और आप उस व्यक्ति से कहोगे Don't worry, brother. भाई आप चिंता न करें Don't worry, sister. बहन आप चिंता न करें Everything will be all right. सब ठीक हो जाएगा But inside you feel it is not going to be all right. लेकिन अंदर ही आपको ये महसूस होता है कि नहीं वो व्यक्ति चंगा नहीं होगा या ठीक नहीं होगा करके So finally what happened? तो आखिरकार क्या होता है What you felt, that is what happened. जो आपने महसूस किया वही हुआ आपने प्रार्थना की होगी सुगम आना इधर आना आधु आना भाईगरमा प्रे पनीर पिंगे चंगा हो जाना चाहिए वो हो जाना चाहिए ये हो जाने जबरदस्त आप प्रार्थना किए होंगे ना उनको लोग फीलिंग इनको लेकिन आपके अंदर एक महसूस हुआ रहेगा दैट फीलिंग विल टेल यू दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू हील दैट पर्सन इज गोइंग टू डाई लेकिन वो जो महसूस जो आपके अंदर हुआ है वो ये होगा कि देखो आप कितना ही प्रार्थना कर लो कैसे भी कर लो वो आदमी मरने ही वाला है लपा नहीं चौम पनी नल्ला दम प्रे पनी आपने अच्छे से प्रार्थना किया है आना उंगल कुल्ला एक फीलिंग वर्दे लेकिन आपके अंदर एक महसूस ये होता है पर्सन हीला माटा सावधान पोरा वो आदमी चंगा नहीं होगा वो मरने ही वाला है उंगल कुल्ला फीलिंग वो आपके अंदर महसूस होता है नॉट टेल टू दैट पर्सन आप उस सामने वाले इंसान को नहीं बोलेंगे यू फील इनसाइड जो आपके अंदर महसूस हो रहा है सो व्हाट हैपेंस अल्टीमेटली तो आखिरकार क्या होता है व्हाट यू फील इज गोइंग टू हैपन जो आप महसूस किए वही होगा हाउ मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव टोल्ड पीपल आई फेल्ट इट पास्टर कितनी बार आप लोगों से कहते हैं पास्टर वो मैंने महसूस किया है ओके सो राइट नाउ आई वांट टू एड्रेस दिस काइंड ऑफ फीलिंग्स तो मैं चाहता हूं कि इस बात से ये जो महसूस है उसे आप जागरूक रहे विक्टिम कॉन्शियसनेस ये जो है शिकार की मानसिकता विक्टिम कॉन्शियसनेस शिकार की मानसिकता इन फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 पहला कुरिन्थियों छठा अध्याय वर्स 19 19 नंबर का वचन फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स 19
पहला कुरिन्थियों 6:19 का वचन। Or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God, and you are not of your own? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो? See, here Bible tells us. देखो यहाँ बाइबल ये कहता है। You are the temple. आप पवित्र आत्मा, आप मंदिर हो। You are the temple. आप मंदिर हो। Your body is the temple. आपका देह वो मंदिर है। Your body is the temple. आपका जो देह है वो है मंदिर है। And the Holy Spirit is living within you. और पवित्र आत्मा वो आपके अंदर बसा हुआ है। The Holy Spirit is living within you. और आपके अंदर पवित्र आत्मा बसे हुए हैं। So I want to tell you. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। You are so bigger inside. देखो आप अंदर से बहुत बड़े हो। Smith Wigglesworth often tell, I'm 1,000 times more bigger inside than the outside. Smith Wigglesworth हमेशा ये कहते हैं, मैं 1,000 गुना बड़ा हूँ अंदर, बाहर से ज़्यादा मैं अंदर 1,000 गुना बड़ा हूँ। You understand? आपको समझ में आ रहा है? बाहर से ज़्यादा अंदर 1,000 गुना बड़ा हूँ। So you are so big inside. तो आप बहुत बड़े हो अंदर से. Everything you need in your life is inside of you. जो कुछ आपके जीवन में आपको चाहिए वो आपके अंदर है. God is inside of you. What else you need in your life? अरे परमेश्वर आपके अंदर है तो बाकी क्या चाहिए आपके जीवन के लिए बताओ. Nothing is outside. कुछ भी बात बाहर नहीं है। God is not somewhere in the outside. कोई भी चीज बाहर नहीं है और परमेश्वर कहीं तो बाहर नहीं है। God is not somewhere sitting in a place called heaven. परमेश्वर कहीं ऐसे जगह पर नहीं है जहाँ पे स्वर्ग कहा जाता है, वो वहाँ पर नहीं है। He is inside of you right now. वो अभी इसी वक्त आपके अंदर है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? He is living inside of you right now. अभी जो है परमेश्वर आपके अंदर बास कर रहे, बसे हुए हैं। Everything you need in your life is already inside of you. जो कुछ भी आपके जीवन की जरूरत है वो सब कुछ आपके अंदर है। You should not search for God outside. देखो आप परमेश्वर को ढूंढने के लिए बाहर नहीं जाना चाहिए। You should not search for happiness outside. और बाहर से खुशी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। You should not search for joy outside. बाहर आपको आनंद की जरूरत, आनंद ढूंढने की जरूरत नहीं। You should not even search for peace outside. और आप शांति को भी बाहर ढूंढना नहीं चाहिए। Everything is inside of you. सब कुछ आपके अंदर है। Last time I told you one story, right? पिछले दफा जो है मैंने आपको एक कहानी बताई। For the sake of people who missed it, I just want to say it one more time. जो लोगों ने इसे miss कर दिए, मैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँ। Sometimes people have a story to explain powerful truths. देखो कुछ लोगों की कभी-कभी जो है कुछ-कुछ कहानी लोगों को लोग बताते हैं कुछ सच्चाई को दिखाने के लिए। The stories may not be real. देखो कहानी वो सच्चाई या हकीकत वाली नहीं होती है। But it conveys really powerful truths. लेकिन वो लोग जो है सच्चाई यानी कि जो तो सच्चाई है वो लोग बताते हैं। अंदर स्टोरी वंदे उन्मियाना सत्यता वेली पड़ती है। लेकिन जो जो कहानी होती है वो सच्चाई वाली जो सच्चाई की जो चीजें होती है उसे बाहर दर्शाता है। That story is not real. देखो जो कहानी है वो हकीकत नहीं है। That's imagination of some people. वो एक कल्पना है, लोगों की कल्पना है। You understand? Right now, I'll tell you two such kind of story. अभी जो मैं दो कहानी बताऊंगा ऐसे. Okay, so first story like this. पहली कहानी ऐसी है. One day, all the devils, you know, gathered together, discussed. एक दिन ऐसा हुआ कि सारे शैतान एक साथ मिलकर बातें कर रहे थे. How to make all the man of God to fall? कैसे परमेश्वर के जन जो है उन्हें कैसे गिराए? How to make all the man of God to fall? कैसे परमेश्वर के जन वो लोग होते हैं उन्हें कैसे गिराए? It's a big committee meeting among the devils. तो ये बहुत बड़ा committing meeting होता है शैतानों के बीच में. Okay. So one devil told. तो एक शैतान ने कहा. So we'll do one thing. We'll bring you know beautiful girls in front of this man of God's into their life. They will fall for those beautiful girls.
हम क्या करेंगे एक दिन, ये जो परमेश्वर के जो जन है उनके जीवन में खूबसूरत महिलाओं को लेकर आते हैं ताकि उनके प्रेम में वो फंस जाए। அந்த பொண்ணு எல்லாம் விழுந்துருவாங்க அவ்வளவுதான். ஆமா, லடக்கி பாஸ் ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான். இந்த பிரேம் இங்க பிரேம் மே गिर जाए. பிரேம் சொல்லாத அதான் பாயிண்ட். அது ஓகே. Bring beautiful girls into the life, they will fall in adultery, fall for that girl. तो ऐसा होता है कि उनके जीवन में खूबसूरत लड़कियों को भेजेंगे और जो है उसके लिए जो है वो व्यभिचार में वो फंस जाएंगे. ओके, सो इट सीम्स लाइक अ वेरी गुड आईडिया. तो ऐसा है कि बहुत अच्छा आइडिया था ये, आइडिया दिख रहा था. एक अच्छा आइडिया जैसा, सॉरी, सीम्स लाइक अ वेरी गुड आइडिया. तो ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा आइडिया है. एंड दे ट्राइड इट, उन्होंने कोशिश की, बट इट वाज नॉट दैट मच सक्सेसफुल. लेकिन इतना सफल नहीं आया उसमें. नॉट मेनी पीपल फॉल फॉर दैट. देखो बहुत सारे लोग उसके ऊपर जो है वो गिरे नहीं. இல்ல நிறைய பேர் அதுக்கு வேல தான். बहुत सारे लोग गिरे नहीं. ओके, बहुत सारे लोग उसमें फंसे नहीं. Then that was not that much successful. तो वो भी बात इतना सफल नहीं हुआ. Okay. Then another devil said another idea. तो दूसरा devil जो दूसरा शैतान ने एक और जो idea दिया. Okay, we'll try to bring lot of money into that man of God's life. ठीक है, हम बहुत पैसा लेके आएंगे वो परमेश्वर के जन उनके जीवन में. Then they will go behind the money. तो वो लोग पैसों के पीछे भागेंगे. So that also seems like very good idea. तो ऐसा लगा कि वो भी अच्छा आइडिया है. That also partial success. फिर भी उसमें भी थोड़ा सा ही सक्सेस मिला. Not that much. इतना नहीं मिला. They were not very happy. तो उसमें भी लोग ज़्यादा उसमें खुश नहीं. They were thinking this too powerful idea failed. How we are going to make this man of God's fall? तो दोनों आइडिया फेल हो चुका है. तो हम कैसे परमेश्वर के जन को कैसे गिराएं? The one of the least demons said it seems. तो उनमें से बहुत छोटा जो शैतान है ना उसने कुछ ऐसा कहा. Told, you know, let us send the arrows of discouragement. तो उसने कहा कि ठीक है ना, जो निराश करने वाला जो तीर है ना उसे हम बेचते हैं. Anybody remember the story, my church people? किसी को भी याद है कि ये कहानी मेरे कलीसिया के जो लोग हैं उनको मैंने बताया था. Okay, Jasna sister, Gladys sister, remember. It's a very old story. Maybe I'm telling this after 10 years, I think. ये बहुत पुरानी कहानी है. मुझे लगता है कि 10 साल के बाद ना सोचूं. के बाद शायद मैं बता रहा हूँ ये कहानी. Okay. So, what happened? तो क्या होता है? It was almost 99% success. तो ऐसा होता है कि 90% सफल आया उसमें. ओके, ठीक है. लॉट ऑफ पीपल फॉल फॉर डिस्करेजमेंट. बहुत सारे लोग निराश हो गए. இது உண்மையிலே நடந்த கதையா ஸ்டோரியா? ஓகே, ये सच्चाई, ये हकीकत वाली कहानी है क्या? नो, नहीं. बट एज इट कन्वेज द पावरफुल ट्रूथ. लेकिन क्या इसमें सच्चाई का जो हकीकत वाली जो है सच्चाई है क्या इसमें? அது வெளிப்படுத்துதா, அது சொல்லுதா, क्या इसमें दर्शाता है, क्या इसे बोलता है क्या? यस, यस. 99% ऑफ पीपल इज फॉलिंग बिकॉज ऑफ डिस्करेजमेंट. सच्चाई तो यही है ना कि 90% लोग निराश हो जाते हैं. I am battling with the discouragement. देखो मैं discouragement से मैं लड़ रहा हूँ. You understand how many times I felt discouraged? देखो कितनी बार मैं खुद निराश हुआ हूँ. So that has been a powerful weapon. तो वो जो है बहुत सामर्थ्यशाली हथियार था. Discouragement. Discouragement. So that story conveys a powerful truth. तो वो जो कहानी है वो क्या दर्शाता है? वो सामर्थ्यशाली सच्चाई को दर्शाता है. Okay. In the same way, there is another story. तो उसी वैसा ही जो है एक और कहानी है. There was once upon a time. तो एक बार ऐसा हुआ. God and human all were divine. तो परमेश्वर और मनुष्य सभी लोग दिव्य थे. Okay. And that created a lot of problem. तो वहाँ पे बहुत सारी समस्या खड़ी हो गई. Then God's thought. तो God परमेश्वर ने सोचा. That you know, okay, for some time we have to take this divinity and hide it somewhere.
तो परमेश्वर ने सोचा कि ठीक है, हम ये जो दिव्य दिव्यत्व है उसे हम निकाल देते, उनसे चुरा लेते हैं और कहीं तो हम उसे छुपा देते हैं। So all the gods were discussing. तो सारे जो परमेश्वर जो थे वो इस बारे में बातें कर रहे थे। Take divinity from man. तो दिव्यत्व का जो शक्ति है वो मनुष्य से हम ले लेते हैं। And we have to hide it somewhere. वो कहीं तो हम छुपा देते हैं। So where to hide is the question. अभी सवाल ये उठा कि कहाँ इसे छुपाएं? Somebody said we'll hide it somewhere in the sky, in the moon. किसी ने कहा कि ठीक है, हम आसमान में कहीं, तो चंद्रमा चंद्र में कहीं छुपा देते हैं। So somebody said, no, 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 man is very dangerous. One day you will reach moon and you will find it. तो किसी ने कहा कि नहीं, मनुष्य बहुत खतरनाक है, एक दिन ऐसा होगा वो मून में यानी कि सूर्य चंद्र में पहुंच जाएगा और वो ढूंढ कर निकाल लेगा। Okay. Somebody said, no, we will hide it in the ocean. तो किसी ने कहा कि बीच समुद्र में गहराई में उसे छुपा देते हैं। Then somebody said, no, man is very dangerous. You will carry some oxygen mask and you will go inside and you will find it. फिर किसी ने ऐसा कहा कि नहीं नहीं मनुष्य खतरनाक है, वो कुछ भी मांस वास डालेगा और जो है समंदर की गहराई में जाके उसे वापस वहां पे भी ढूंढ लेगा। So where to find, where to hide it? तो कहां उसे छुपाना होगा? So somebody said, तो किसी ने कहा, we'll hide it within the man, he will never find it. तो किसी ने कहा कि ठीक है, हम मनुष्य के अंदर ही छुपाएंगे ताकि मनुष्य उसे ढूंढ ही ना पाए। वो हमारे अंदर है। Learning to focus on inside is more important. देखो हमारे अंदर ध्यान देना वो बहुत महत्वपूर्ण है। If you are not even aware of your own feeling, अगर हम जो है हमारे खुद की महसूस के बारे में जागरूक नहीं है, how will you be able to aware in the sense of God who's a spirit who's inside of you? तो हम कैसे जागरूक रहेंगे जो आत्मा है जो आपके अंदर है उस परमेश्वर के बारे में? You understand? आपको समझ में आ रहा है? Why we have this victim consciousness? हमें क्यों ये शिकार की मानसिकता क्यों है? Why we feel the sense of lack? हमें जो क्यों वो कमी घटी की महसूसियत है? Why we feel worry? क्यों हम चिंता महसूस कर रहे हैं? Why we are feeling fear? हम क्यों डर को महसूस कर रहे हैं? You know why? आपको पता है क्यों? Listen to me carefully. ध्यान से सुन। Everyone, are you ready? सभी लोग, क्या सभी लोग तैयार हो सुनने के लिए? क्या सभी लोग सुन रहे हो? The reason we are having a victim consciousness. तो शिकार की मानसिकता हमारे अंदर वो इसीलिए है। Because we are not feeling connected with God. क्योंकि हम जो है परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, उसकी महसूसियत नहीं है। You understand? आपको समझ में आ रहा है? We are not feeling the oneness. With the creator. हम जो है जो रचना करता है उसके जो सृष्टि करता है उनके साथ जुड़े हुए है करके उस महसूसियत में नहीं है। We are not able to feel oneness with the Father. हम परमेश्वर के साथ एकता या एकतापन वो महसूसियत हमारे में नहीं है। We are feeling separated. हमें महसूस ऐसा होता है कि हम अलग किए गए हैं। We may tell in our dialogues. हम अपने dialogues में ऐसा कह सकते हैं। Yes, brother, we are the temple of the Holy Ghost. हाँ, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। Hallelujah. Hallelujah. Christ is the hope of glory is living inside of us. परमेश्वर जो आशा की महिमा है वो मेरे अंदर वास करता है। Greater is he that is in me. परमेश्वर than he that is in the world. परमेश्वर जो महान है वो मेरे अंदर वास करता है, जो बाहर है उससे भी मेरे अंदर है वो महान है। Think about this. जरा सोच कर देखिए। But we are all telling all the right things. देखो हम सारे सही सही वाक्य रचना बोलते हैं। But we are not really feeling the oneness with the Father. लेकिन हम पिता के साथ वो एक एक पन होता है ना, वो चीज को हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। See, he is inside of you. देखो वो आपके अंदर है। And you are inside of him. और वो आपके अंदर वो है।
ओके ठीक है we are inside of him hum uske unke andar hai you are the temple to aap parmeshwar ke mandir ho he is inside of you wo aapke andar hai okay theek hai is there any separation between you and god to kya koi algav hai koi jo hai duri par hai parmeshwar aur aapke beech mein you are here and god is in heaven theek hai aap yahan ho aur parmeshwar swarg mein hai he is inside of you wo aapke andar hai you are the temple aap parmeshwar ke mandir ho The Holy Spirit is living inside of you. Pavitra Atma aapke andar hai. What is the name of Jesus? Aur Yeshu ka naam kya hai? He is Emmanuel. Unka naam Emmanuel hai. What is the meaning? Uska matlab kya hai? God with us. Uska matlab ye hai ki Parmeshwar hamare saath hai. That's the truth. Yahi sachchai hai. But are we conscious of the truth? क्या लेकिन हम उस सच्चाई से जागरूक है Are we really feel that I'm one with the Father? क्या हम सच्चाई में महसूस करते हैं कि हाँ हम परमेश्वर के साथ एक है Is there anything can separate you from the Father? क्या कोई चीज है परमेश्वर और आपको अलग कर सकता है Is there any place where you can go far away from the Father? क्या कोई ऐसा जगह है कि परमेश्वर से आप दूर जा सकते हो You just tell me, is there anything can make you separate from the Father? आप बस मुझे बताए क्या कोई भी ऐसी चीज है कि पिता को और आपको अलग कर सकता है Jesus said, यीशु कहते हैं I and Father are one. मैं और पिता हम दोनों एक है Is it possible for you to say the same thing? क्या ये संभव है ये सेम वाक्य को आप बोल सकते हो Jesus never felt a separation. देखो यीशु कभी भी अलगाव यानी दूरीपन महसूस नहीं किए He said these things as a man. वो मनुष्य जैसे ही उन्होंने कहा जैसे वो मनुष्य है वैसे ही उन्होंने कहा मनुष्य ना इधर सुनना रेस मनुष्य होने के नाई मनुष्य थे ना तभी उन्होंने कहा मनुष्य ना इरुको मोदल as a man he said this मनुष्य होने के नाई अभी ना ओके तरले ने किंदी तरले बराबर बोल रहे हैं मनुष्य होने के नाई उन्होंने कहा ओके he said as a man वो I and father are one मनुष्य होने के नाते उन्होंने कहा कि मैं मेरे पिता हम दोनों एक हैं ओके सो टुडे यू एंड आई आल्सो कैन एबल टू से दैट तो आज आप और मैं ये शब्द को हम बोल सकते हैं वी डोंट से दैट लेकिन हम ऐसे नहीं कहते हाउ मेनी टाइम्स यू सेड आई एंड फादर आर वन कितनी बार आप कहते हो कि मैं मेरे पिता हम दोनों एक हैं विद द रिवीलेशन प्रकटीकरण से विद द रियल कॉन्फिडेंस आप पूरी कॉन्फिडेंस से द सेंस ऑफ बोस्टिंग और जो है पूरी तरह से घमंड से पूरे घमंड से आई एंड फादर आर वन पूरे घमंड से आप ये कह सकते हाँ मैं मेरा पिता हम दोनों एक है जस्ट एग्जामिन हाउ मेनी टाइम्स यू मस्ट हैव सेड दैट आप परख कर देखो कितनी दफा आप कह चुके होंगे ऐसे द रीजन वी आर नॉट सेइंग वी आर नॉट कॉन्शियस अबाउट इट क्यों हम नहीं कहते हैं क्योंकि हम अपने आप के बारे में जागरूक नहीं है We are not able to say, I and Father are one. हम ये नहीं कह पाते हैं कि हाँ मैं मेरा पिता हम दोनों एक है Hallelujah. Hallelujah. But the day you say it, लेकिन जिस दिन आप कहोगे I and Father are one, जिस दिन आप कहोगे मैं मेरा पिता हम दोनों एक है if you are really saying it, अगर आप सच्चाई से कहते that हो means you are conscious That you are one with your father. तो इसका मतलब ये है कि आप जागरूक हो कि आप और आपके पिता आप दोनों एक हो. The reason we are not saying it, we are not aware, we are not conscious that I and Father is one. क्योंकि हम क्यों हम ये नहीं कहते हैं क्योंकि हम अपने आप के बारे में जागरूक नहीं है कि मैं मेरा पिता हम दोनों एक है करके. You know, in what sense you know we and Father are one? तो किस मतलब से जो है मैं मेरा पिता हम दोनों एक ही हम ऐसे कहते हैं इट्स नॉट लाइक दिस यू नो द काइंड ऑफ टूटी फ्रूटी व्हिच इज इन द बन ये ऐसा नहीं बोल सकते जैसे कि टूटी फ्रूटी होता है ना जो बन के बीच में होता है खट मीठी बंडलर का इंडिया बन में होता है ना वो टूटी फ्रूटी ओके सो बन इरुके बन है ला केक வச்சிங்க या तो फिर केक रख लो सो அதல வந்து அந்த टूटी फ्रूटी இருக்கு तो उसमें वो टूटी फ्रूटी होता है सो அந்த टूटी फ्रूटी வந்து பன்ல தான் இருக்கு देखो वो बन के अंदर ही वो टूटी फ्रूटी है அந்த சென்ஸ்ல நம்ம फादर கிட்ட ஒன் கிடையாது तो वो सेंस में वो सोच में मैं मेरा पिता हम दोनों एक है उस सेंस में नहीं यू अंडरस्टैंड आपको समझ में आ रहा है बिकॉज़ टूटी फ्रूटी एंड बन बोथ आर डिफरेंट इन एसेंस टूटी फ्रूटी और बन दोनों अपने-अपने कार्य में अलग है यू अंडरस्टैंड आपको समझ में आ रहा है
You are able to understand? आपको समझ में आया? Tutti frutti and bun both are different in essence. तो ऐसा है टूटी फ्रूटी और जो बन है दोनों भी अलग है उसकी खुशबू में उसके टेस्ट में. बन मैदा लंद वंचे टूटी फ्रूटी मैदा लंदा वंचे बन मैदा से आया टूटी फ्रूटी मैदा से आया क्या? नो नो वी आर नॉट इन दैट वे. हम उस तरीके से फादर हम उस तरीके से परमेश्वर के साथ एकता में नहीं है. बन एंड टूटी फ्रूटी इन वन बन. देखो बन टूटी फ्रूटी दोनों भी एक बन के अंदर. वी आर नॉट इन दैट सेंस वी आर वन विद द फादर. हम उस मानसिकता में उस सेंस में हम परमेश्वर के साथ में एक नहीं है. वी आर लाइक अ वेव इन द ओशन. हम कैसे पता है एक जो झरना होता है एक समंदर होता है इसमें लहरें होती है वैसे हम हैं. यू अंडरस्टैंड? आपको समझ में वी आर लाइक अ वेव इन द ओशन. हम लहरें जो होता है ना समंदर में वैसे हैं हम. वेव एंड द ओशन बोथ आर सेम इन एसेंस. तो जो लहरें होती है समंदर होता है दोनों कार्य में हर बातों में दोनों भी सेम है. हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? कितने लोगों को समझ में आया ये? वेव एंड द ओशन आर सेम इन एसेंस. तो जो वेव्स यानी कि लहरें हैं और समंदर हैं दोनों भी सेम है. So when we say we are one with the Father, it's like a wave and the ocean in the same way. तो जब हम कहते हैं ना हम मैं मेरा पिता हम दोनों एक है तो कैसे पता है समंदर और लहरें दोनों सेम हैं. We are created in the image of God. हम परमेश्वर के इमेज में रचना किए गए हैं स्वरूप में रचना किए गए हैं. We are a child of God. परमेश्वर के बच्चे हैं. God is our source. परमेश्वर ही हमारा जरिया है. Hallelujah. Hallelujah. We are a divine being. हम जो है दिव्य मनुष्य है. We have a divine nature inside of us. हमारे अंदर जो है दिव्य स्वभाव है हमारे अंदर. We have a divine nature inside of us. हमारे अंदर दिव्य स्वभाव है. We have to feel the oneness with the Father. हमें जो है परमेश्वर के साथ एक एक होने का महसूस होना चाहिए. You should walk around in this world and say, I and Father is one. आप इस संसार में ऐसा चलना चाहिए रहना चाहिए जैसा कि मैं मेरा पिता हम दोनों एक है. We read book of John. हम यूहन्ना की किताब जब हम पढ़ते हैं. And Jesus said this. और यीशु वहाँ पे यीशु कहते हैं. Some people ready to stone him. कुछ लोग जो है पथराव करने के लिए तैयार थे. So immediately Jesus asked, तो तुरंत यीशु ने उन्हें पूछे, I have done so many good works. For which good work you want to stone me? मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए लेकिन कौन से अच्छे काम के लिए तुम मुझे पथराव करना चाहते हो? So the Jewish answered, we are not stoning you for your good works, but we are stoning you because you make yourself equal with God. हम आपके भले कामों के लिए आपको पथराव नहीं कर रहे हैं. हम इसलिए पथराव कर रहे हैं क्योंकि आपने आपकी तुलना जो है वो परमेश्वर के साथ की इसलिए हम आपको पथराव कर रहे हैं. Jesus said, because I said, because I make myself, you know, one with God, you're getting angry. क्योंकि मैंने कहा कि मैं परमेश्वर और मैं सेम हूँ परमेश्वर के साथ मैं तुलना कर रहा हूँ इस वजह से तुम मुझे पथराव करने के लिए तैयार हो. You're getting angry. इसलिए गुस्सा कर रहे हो मुझ पर. What your Bible says in Psalms? भजन संहिता में बाइबल क्या कहता है? Your Bible says, your scripture says, you are God's. आपका बाइबल आपका वचन ये कहता आप परमेश्वर हो. நீங்கள் தேவர்கள் என்று உங்க வேத வாக்கியம் சொல்லவில்லையா அப்படின்னு இயேசு கேக்குறாரு. இயேசு கே ரே ना तुम्हारा वचन परमेश्वर का वचन है उसमें कहता नहीं है कि तुम ही परमेश्वर हो. यू आर गॉड्स. तुम परमेश्वर हो. स्मॉल जी छोटे जी. Why we are having feeling a victim conscious? क्यों हमें वो शिकार की मानसिकता है? Why we feel fear, worries, क्यों हमें डर लगता है चिंता होती है कमी घटी महसूस होता है? Because we are not able to feel oneness with the Father. क्योंकि हमें परमेश्वर के साथ जो एक है एकतापन वो चीज को महसूस नहीं कर पा रहे हैं. You are his temple. आप उनके मंदिर हो. He is inside of you. वो आपके अंदर है. Just look inward. सिर्फ आपके अंदर देखो. The God who created everything is inside of you. जो परमेश्वर सारी चीजों की रचना की है वो आपके अंदर है. You are one with the Father. आप परमेश्वर के साथ एक हो. You can also say I and Father is one.
आप ये भी कह सकते हो मैं मेरा पिता हम दोनों एक है. I the father is one. मैं मेरा पिता हम दोनों एक है. Nothing in this world can able to separate you from God. Amen. कोई भी चीज जो है परमेश्वर को और आपको अलग नहीं कर But सकता. But only in our mind we feel that kind of separation. सिर्फ हमारे मन में वो जो अलगाव है उसको हम लोग महसूस करते हैं. Separation never exists. लेकिन जो अलगाव जो होता है वो है ही नहीं. In reality there is no separation. सच्चाई तो ऐसी है कि अलगाव तो है ही नहीं. In the mind of God he is not feeling separate from you. परमेश्वर के मन में जो है आपसे वो अलग है करके है ही नहीं. But in our mind we feel separated from God. लेकिन हमारे मन में हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम परमेश्वर से दूर या परमेश्वर से अलग हैं. So in these days, my goal is this. इन दिनों में मेरा लक्ष्य ये ऐसा है. I am not trying to get closer to God. हम मैं जो है परमेश्वर के करीब आने की कोशिश में नहीं. No, I am already closer to God. नहीं नहीं मैं पहले से ही परमेश्वर के करीब ही हूँ. I just want to experience that closeness. सिर्फ मैं उनके साथ जो करीबी है उस बात का मैं महसूस करना चाहता हूँ. I just want to experience that intimacy. वो एकतापन जो है उसे मैं महसूस करना चाहता हूँ. I just want to experience that oneness with my father. Okay, now you are able to hear my voice. Abhi aa raha hai mera awaaz? Okay. Okay. So once you experience God, jab aap parmeshwar ko mehsoos karne lagte ho, you will not have any fear. Aapko dar nahi rahega. You will not have any worries. Koi chinta nahi rahega. We will not even worry about finance. हम पैसों के बारे में भी चिंता नहीं करेंगे. The very sense of lack of finance tells us that we feel separated from God. सिर्फ ये जो पैसों की कमी के वजह से हमें ऐसा लगता है. इल्लापा आप भी अंदर कमियाँ feel पन्द्रदे. वो जो कमी घटी को महसूस करते हैं ना. ये तो काट देना. वो क्या दर्शाता है? नमाड़ रोटे दूर ना owner रहो. हम परमेश्वर से दूर है करके उसको हम महसूस करते हैं. You only feel that you are one with the Father. जब आपको सिर्फ ये बात की महसूस हो जाएगी कि आप परमेश्वर के साथ एक हो करके. No lack, no sense of lack. तो कुछ कमी कटी नहीं, कुछ कमी कटी की महसूस no worries, भी नहीं. No worries. कोई चिंता नहीं. No fear. कुछ डर नहीं. Only joy. सिर्फ आनंद. Only peace. सिर्फ शांति. Only health. सिर्फ सेहत. Only abundance. और सिर्फ बतायर. Your life is full of only pleasure. हमारा तो जीवन है पूरी तरह से जो है खुशी. Your life will be full of pleasure. पूरी तरह से प्रसन्न या pleasure रहेगा. Okay, now is it clear? अभी आवाज आ रही हमारी? Is it clear? आवाज आ रही हमारी? Okay. So because we feel separated from God, we feel all kinds of negative things. सिर्फ जो है परमेश्वर से हम दूर है ये महसूसियत के वजह से ही हम जो है सारी बातों की कमी घटी को महसूस करते हैं. Give you 5 minutes break before that I want to say this. 5 मिनट का मैं ब्रेक दूंगा उससे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ. देवने उनर्ந்தவனுக்கு जो कोई परमेश्वर को महसूस करता है நீ கவலையில் இல்லை கனவுகள் இல்லை
उन्हें कोई चिंता नहीं ना कोई सपना है. For the person who experience God, जो इंसान परमेश्वर को महसूस या अनुभव करता है, no worries, कोई चिंता नहीं. You will not worry. वो चिंता ही नहीं करेगा. We should not try to overcome worry. देखो हमें कोशिश नहीं करना है हमारे चिंता को जो है लात कराने की. We should only try to experience the oneness with the Father. हमें सिर्फ जो है कोशिश ये करना है कि परमेश्वर के साथ एक होने का. अरे एक होने का इलापा अंदर अरे एक्सपीरियंस बन रहा है. The oneness, we are already one. One, yes, that's right. तो हम जो है उस चीज को महसूस करना है कि हम पहले से ही जो है उनके साथ या उनके एकता में ही है. उस चीज को अनुभव करना है. So when we experience that, तो जब हम इस बात को अनुभव करेंगे, no worries, चिंता नहीं, no dreams, कोई सपना भी नहीं. Why? क्यों? All your dreams will be fulfilled. क्योंकि सारे सपने आपके पूरे हो जाते हैं. The day you experience God, जिस दिन आप परमेश्वर को महसूस करते हो, you will go ahead and fulfill all your dreams. तो वो आपके और जाएंगे और no, you will go and fulfill all your dreams. तो आप जाओगे और आपके सारे सपनों को पूरा कर दोगे. Okay, so take a 5 minutes break. हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे. Yes, and sister.